नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर की छत के ऊपर गार्डनिंग के बारे में। सभी को शौक़ होता है कि वो अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं, गमले लगाएं, फूल उगाएं, सब्जी लगाएं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि सभी के पास ज़मीन नहीं हुआ करती। आजकल शहरों में पक्के मकान चल रहे हैं तो घर में कोई गार्डन नहीं होता, आंगन नहीं होता, लेकिन शौक़ तो होता है ना कि कुछ बोएं, घर में हरियाली हो, पेड़ पौधे हों। तो शौक़ पूरा करने के लिए लोग घर की छत पे गमले में पेड़ पौधे लगाते हैं, कोई घर के अंदर लगाते हैं, कोई घर की छतों पे लगाते हैं। गमलों में काम चल जाता है, आप गमलों में फूल लगा सकते हैं, गेंदा गुलाब लगा सकते हैं, बहुत से सब्ज़ी बोना चाहते हैं तो सब्ज़ी होती हैं बहुत सारी, पालक, धनिया और बेल, ठीक। लेकिन क्या होता है, गमलों में ये चीज़ें नहीं चल पाती। चलेंगी, पेड़ हरे रहेंगे लेकिन फल नहीं आएंगे और वो पेड़ बड़े भी नहीं होंगे। अब होता क्या है, खर्चा तो हम पूरा करते हैं, मतलब गमले में, खाद में, मिट्टी में, बीज में, ठीक है, और मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो उस हिसाब से नहीं उग पाते, उस हिसाब से वो फल नहीं दे पाते हैं जितनी उस पर मेहनत की जाती है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जो काम ज़मीन कर सकती है, जो पौधा ज़मीन में लगा होगा वही पौधा अगर गमले में लगा होगा तो ज़मीन पे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, गमले में उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं होने की। लेकिन जब हमारे पास ज़मीन नहीं है, शौक़ हमारे पूरे हैं, तो हम अपना शौक़ कैसे पूरा करें, तो वही है कि गमले लाएं और गमले में पेड़ पौधे बोएं। लेकिन मैं आज आपको जो वीडियो बना रहा हूं, इसका मकसद थोड़ा सा अलग है कि आपका काम भी चल जाए, खर्चा भी उतना हो, और जो आपने छतों के पेड़ पौधे लगा रखे हैं वो बहुत ज़्यादा फले फूलें और फल दें, सब्जी दें, बढ़िया चलें। तो ऐसा क्या करना चाहिए, देखिए, जब हम गमले ख़रीदते हैं, बाज़ार में कोई भी गमला 50 रुपए से कम का नहीं है। आप 20-25 गमले ख़रीदेंगे, थोड़ी सी जगह में भी 20-25 गमले आ जाते हैं, तो 20 गमले कितने के आएंगे, 1000 रुपए के पड़ेंगे 50 रुपए के हिसाब से। अब पैसा तो खर्च हो गई। अब आप गमले ना ख़रीद कर आप एक काम कीजिए, जो टाइल्स पत्थर की दुकान होती है जहाँ पर पत्थर मार्बल मिलता है, वहाँ पर 2x2 फुट के पत्थर मिलते हैं लाल वाले या मार्बली, जो 200 रुपये का एक पीस पड़ता है 2x2 स्क्वायर फीट का। तो आप गमले ना ख़रीद के 200 रुपये के हिसाब से 4 आप 2x2 के वो पत्थर ले आइए, और 200 रुपये की आप ख़रीदें ईंट। अब उन पत्थरों को आप एक साथ लगा दीजिए, मैं आपको अभी उसका डेमो करके भी दिखाऊंगा। तो 2x2 के पत्थर आप लगा देंगे एक साथ, तो वो 2x8 फिट लंबी आपकी क्यारी हो जाएगी, जिसमें आप नीचे से ज़मीन छत से ऊपर उठा के रखें उन पत्थरों पे, 2-4 पत्थरों पे पूरी क्यारी ऊपर हो जाएगी, और ईंट चारों तरफ उसकी ईंट से डोल बना दीजिए, ठीक है। 3-3 ईंट की आप डोल बना दीजिए, 4 इंच की ईंट होती है जो चौड़ी होती है, 3×12, मतलब वो जो आपकी क्यारी बनी है उसकी गहराई हो जाएगी 12 इंच, मतलब 1 फिट की गहराई हो जाएगी इतनी। उसमें आप मिट्टी भरें, खाद पानी करें। अब जब आपकी 2 फिट और 8 फिट लंबी एक क्यारी बन गई उतने खर्चे में, उसमें आप जो भी पेड़ पौधा बोएंगे, चाहे वो आप सेम की बेल बोएं, लौकी बोएं, बैंगन बोएं, मिर्च बोएं, धनिया बोएं, कुछ भी बोएं, छोटा बड़ा, उस 1 फिट गहराई वाली इतनी लंबी क्यारी में वो चीज़ चलेगी। देखिए, ये मैंने अपने घर के ऊपर एक छोटा सा गार्डन बना रखा है, आप देख सकते हैं घर की छत के ऊपर है, और आप ये देखिए कि ये जो गार्डन है कितना भरा पूरा है, कितने बड़ी इसमें बेल फैल रही है, और ये बना हुआ काहे में है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप मेरा गार्डन ज़रा देखिए, ये बना रखा है, देखिए
और आप देखिए क्या है ये, ये देखिए मैंने छत के ऊपर आप देख सकते हैं ये पट डाल रखे हैं और पटों पे मैंने एक एक ईंट लगा के इसके अंदर मिट्टी भर रखी है। अब देखिए एक ईंट की मिट्टी भरी हुई है, मतलब 4 इंच मोटी। आप देखिए 4 इंच मोटी पे देखिए कितनी अच्छी सब्जी हो रही है। अब ये तो सिर्फ 4 इंच मोटी है, अगर आप इसी एक एक ईंट के बजाय इस पर दो दो और तीन तीन ईंट, मतलब 2 ईंट या 3 ईंट 12 इंच कर लें, जब आप इसे 12 इंच कर लेंगे तो होगा क्या, आप इधर देखिए जैसे कि ये है, ये वाली क्यारी है, ये भी सिर्फ एक खड़ी ईंट पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी को ज़्यादा बढ़ाया है, इस जगह थोड़ा सा मोड़ ऊँचा किया और इस पर ऊँचा करके मैंने इसमें लौकी बोई है, काशीफल बोया है, और देखिए ये जो गिलो है ये भी इसमें ही पैदा है। तो जो मैंने लौकी और काशीफल बोया है इस छोटी सी क्यारी में, अब आप उसका देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये काशीफल आ रहा है, ये रहा काशीफल। तो इस छोटी सी जगह में जो ये उगा हुआ है, बड़ी बड़ी चीज़ें, कल हमने लौकी तोड़ी, खीरे तोड़े, और ये देखिए मिर्च के पेड़ आ रहे हैं, ये बैंगन का पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मिर्च है, धनिया है, पुदीना है, तो ये क्यारी है। अब इसमें क्या है, अगर आप यही चीज़ हम गमले में बोएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गमले में ये पेड़ बो रखा है, ये जो पेड़ है ये इतना ही रहेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन यही पेड़ इतनी ही ऊँचाई में जब मैंने इसे यहाँ बोया, ये देखिए उसी 4 इंच की ऊँचाई पर ये पेड़ बोया हुआ है, और कितना बड़ा ये चमेली का, सॉरी इसका, ये सदाबहार का पेड़ उगा हुआ है। आप देख सकते हैं क्या फ़र्क है, ये गमले में रखा हुआ है और ये इसमें रखा हुआ है। तो यही फ़र्क है क्यारी का और गमले का। तो मैं बता रहा था कि गमले आप छोटे छोटे 20 गमले लेने के बजाय आप पट पे क्यारी बनाएं, 2 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबी आप जब क्यारी बनाएंगे उसमें आप तीन तीन ईंट की ऊंची आप डोल बना लेंगे, उसके अंदर 1 फीट गहराई हो जाएगी और उस डोल के अंदर आप कुछ भी बो सकते हैं। आपकी छोटी जगह में आप कोई भी लौकी की बेल, कद्दू की बेल, काशीफल, बैंगन, मिर्च, धनिया, पुदीना, सभी चीज़ें आप बो सकते हैं और इतनी गहराई में वो चीज़ अच्छे से चलेंगी। गमले में उनके एक लिमिटेड जगह मिलेगी, उनकी जड़ फैल नहीं पाने की और वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, जबकि क्यारी के अंदर क्या होगा, जिन्हें जहाँ जगह कम पड़ गई तो इधर उधर फैलना शुरू कर देंगे, इससे आपके पौधों को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और उसका मेंटेनेंस भी आसान है। आप एक ही बार में उस क्यारी के अंदर पानी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी इस गमले में, कभी इस गमले में, कभी इस गमले में, ऐसा नहीं करना, पूरी एक साथ क्यारी में पानी डाल देना है, उनकी गुरबाई और निराई वराई सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, खाद डालना आसान हो जाएगा। तो वही है कि छोटे छोटे गमले के बजाय एक आप प्रॉपर क्यारी बनाएं छत के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। इससे इस आधार पर अगर क्यारी बनाएंगे तो आपका जो मेहनत है, आपका जो ख्वाब है, जो आपका पैसा लगा हुआ है वो सक्सेसफुल होगा और आप भी खुशी खुशी, जैसे कि मैं अपने हरियाली के बीच में बैठा हूँ, आप भी अपनी छत पर एक ऐसी हरियाली बनाकर और मज़े से, आराम से और खुशी का अनुभव महसूस कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।